10 करोड़ का ये विला हम खरीद लिए थे 4 दिन के लिए गोवा में रहने के लिए, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मज़ा आई ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या है, 10 करोड़ का है ये? तो चलिए आज हम आपको विला टूर कराते हैं, हमारा कैसा है ये विला। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सबसे पहले पार्किंग एरिया है, जो भी आप रेंटल स्कूटी लेते हैं गोवा में वो आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन एरिया पर कोई भी नहीं था 4 दिनों के लिए, क्योंकि पूरा विला ही हमारा हो चुका था, क्योंकि हम इतने पैसे जो खर्च कर दिए थे, तो ये यहाँ के स्टाफ भी चले गए थे क्योंकि उनका कुछ यहाँ काम नहीं था। तभी चलते हम अंदर, अंदर आपको सिटिंग एरिया दिखाते हैं, आउटडोर एरिया कैसा है इसका, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है दोस्तों, मुझे तो मज़ा आ गया गोवा में रहकर। और यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सिटिंग एरिया है यहाँ की, वो इतनी ज़्यादा नेचुरल है, यहाँ पे जो वाइब्स आ रही थी, मतलब पूरी एकदम नेचुरल वाइब्स आ रही थी, एकदम प्योर ऑक्सीजन मिल रहा था हमको गोवा पे, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनी एरिया था। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैठ के रात को आप चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो दोस्तों के साथ, गॉसिप्स कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकता, विदाउट एसी आप 5 मिनट नहीं रह सकते। और ये क्या मिर्ची के जैसा कौन सा फूल होता है, ये मुझे कमेंट में बताना अगर आपको नाम पता है तो। ये जो गोवा का विला है, ये कैंडोलियम बीच के पास लोकेटेड करता है। और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, इस विला में 3 रूम्स थे, सिर्फ 3 रूम, और तीनों रूम हमने बुक कर चुका था सिर्फ 3 लोगों के लिए। इतने बड़े विला में हम सिर्फ 3 लोग रहते थे, 3 लोग हम रहते थे, खाते थे, घूमते थे, मज़े करते थे, और यहाँ पे हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग अलग किस्म के इसमें पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये अपने रूम के बाहर भी एक सिटिंग एरिया है, यहाँ की जो वाइब्स है पूरी विंटेज स्टाइल है, और यहाँ पर आप बैठ के राजाओं का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ की मैं एक सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, ये बेल, ये बेल इतनी ज़्यादा साइलेंस है, और ये जो जगह है वो इतनी ज़्यादा शांत है कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तो अभी हम रूम के अंदर आ चुके हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले ये है हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया पे हम यहाँ बैठ के कुछ भी खा सकते हैं ऑर्डर करके। हमारा शेफ था एक, वो हमें शेफ बना कर देता था, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना दूर कौन जाए मंगाए खाए, इसे अच्छा शेफ को बोलो वो सीधा बना कर दे देता था। यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा थी, यहाँ चिमनी वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह, A to Z सारी चीज़ थी। तो अभी चलते हम अपने रूम की तरफ, रूम आपको दिखाते हैं कैसा है, क्या आपको ये वर्थ इट लग रहा है, 10 करोड़ का ये विला हो सकता है? अगर हो सकता है तो कमेंट में बताना, और अगर आप गोवा में रहते हैं तो आप एक बार ये द क्राउन विला विजिट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा रूम है, रूम इतना ज़्यादा लग्जरी है, किंग साइज रूम, बेडरूम बोलते हैं इसको। और ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम भी देख सकते हो इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, अगर आप यहाँ नहाने जाओगे तो नहाते ही रह जाओगे। तो कैसा लगा ये व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, मिलते हैं अगले वीडियो पर, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।